आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा। लाइट कैमरा और मर्डर। दिल्ली में रात को एक कार की लाइट जल रही थी, गाड़ी के ठीक पीछे एक मकान के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा था। लाइट जलती रही और कत्ल की ये पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। मगर हत्यारों को नहीं मालूम था कि उनका एक एक गुनाह दुनिया के सामने आ जाएगा। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में सरेराह कार रोककर चार बदमाशों ने कैसे गाड़ी में घुसकर एक शख्स का कत्ल कर दिया। दिल्ली में कार में घुसकर कत्ल, दिल दहलाने वाला सीसीटीवी वीडियो। पहले हथौड़े से हमला, फिर चाकू से वार। फिर तमंचे से फायरिंग। दो मिनट में सरेआम मर्डर। साउथ दिल्ली में मेहरौली इलाके में हुए इस हत्याकांड का एक एक लफा देखिए। राजधानी में सरेआम गाड़ी को रोककर कैसे एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। सबसे पहले तारीख और वक्त पर गौर कीजिए। दिल्ली टूरिज्म विभाग में असिस्टेंट मैनेजर ब्रिजभूषण प्रसाद अपनी वैगनार से राजपुर खुर्द कॉलोनी पहुंचते हैं। कुछ दूरी पर ही उनका घर है, मगर रास्ते में मौत खड़ी थी। जी हाँ, सेंट्रो कार में सवार चार हमलावर उनका इंतजार कर रहे थे। सेंट्रो कार से दो बदमाश उतरकर हत्या से पहले चारों तरफ का माहौल देखते हैं। उन्हें मालूम था कि ब्रिजभूषण कुछ ही देर में इसी रास्ते से आने वाले हैं, इसीलिए गली में खड़ी एक गाड़ी के पास ही हमलावरों ने अपनी सेंट्रो कार इस तरह लगाई कि कोई दूसरी गाड़ी ना निकल सके। कुछ ही सेकंड बाद ब्रिजभूषण अपनी वैगनार लेकर आए तो उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी, क्योंकि दो गाड़ियों के बीच से कार निकलने की जगह नहीं थी। हमलावरों को इसी मौके का इंतजार था। उन्होंने हमला शुरू किया। तीन बदमाशों ने ब्रिजभूषण पर हमला बोल दिया। सीसीटीवी फुटेज में तीन बदमाश नजर आ रहे हैं। अब एक एक हमलावर की हरकत देखिए। सबसे पहले आगे वाला हमलावर गाड़ी रुकते ही ड्राइविंग सीट के पास पहुंचता है, हथौड़ा निकाला और एक के बाद एक नौ वार किए। इसी दौरान कार के पीछे की ओर मौजूद बदमाश ने अपने मोजे में छिपाया चाकू निकाला। वो फौरन गाड़ी के पिछले सीट पर बैठा और दरवाजा बंद करके ब्रिजभूषण पर चाकू से हमला करने लगा। अब तीसरे हमलावर को देखिए। वो ड्राइविंग सीट के बराबर वाली साइड पर पहुंचा और जबरन दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। वो भी ब्रिजभूषण पर हमला करने लगा। जिस वक्त तीनों बदमाश हथौड़े और चाकू से हमला कर रहे थे, उसी दौरान सेंट्रो कार में बैठे चौथे हमलावर ने तमंचा निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। उसने कई बार तमंचा निकाला, लेकिन अफरा तफरी के बीच ब्रिजभूषण किसी बदमाश के काबू में नहीं आ रहे थे, इसलिए गोली मारने वाले को लगा कि निशाना कहीं चूक न जाए। वो बार बार ड्राइविंग सीट पर बैठे ब्रिजभूषण को गोली मारने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि ब्रिजभूषण के बराबर में बैठे उसके अपने ही साथी को या ड्राइविंग सीट के पास खड़े हमलावर को गोली न लग जाए। उसने दो तीन बार निशाना लगाकर फायर किया। गोली मारने के बाद उसने सेंट्रो कार को थोड़ा आगे बढ़ा लिया। इसी दौरान ड्राइविंग सीट पर खड़े हमलावर ने लॉक तोड़कर ब्रिजभूषण को बाहर निकाल लिया। वो जान बचाने के लिए गाड़ी के बाईं ओर दौड़े तो बराबर वाली सीट पर बैठा हमलावर फौरन भागकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। अब ब्रिजभूषण ड्राइविंग सीट के बराबर वाली सीट पर फंस गए, क्योंकि जो बदमाश हथौड़े से उन्हें मार रहा था वो उनके पास पहुंचकर बाहर खींचने की कोशिश करता है। उनके पैर को गाड़ी के दरवाजे की टक्कर से कुचलने की कोशिश करता है। ब्रिजभूषण बाहर नहीं निकले तो हमलावर ने तमंचा निकालकर उनके चिया। फिर भी वो गाड़ी से नहीं उतरे तो ड्राइविंग सीट पर बैठा बदमाश कार को बैक करके गाड़ी भगाने की कोशिश करता है। इसी दौरान ब्रिजभूषण को काबू कर रहा हमलावर
उन्हें अंदर की ओर धक्का देकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है, मगर सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इसके बाद ब्रिजभूषण की वैगनार में ड्राइविंग सीट पर बैठा बदमाश गाड़ी से निकलकर अपनी सेंट्रो कार की ओर भागता है। चाकू लेकर पीछे बैठा शख्स भी गाड़ी से बाहर आ जाता है। ब्रिजभूषण मोबाइल लेकर कार से निकलते हैं। इसके बाद एक पल के लिए वो दोबारा कार में कुछ देखने जाते हैं। जब तक कार से बाहर आए तब तक सभी हत्यारे फरार हो चुके थे। हथौड़े, चाकू और गोलियों के हमले से बुरी तरह खून से लथपथ ब्रिजभूषण अपनी कार के पीछे से होकर ड्राइविंग सीट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर कार के पिछले पहिए के पास पहुंचते ही वो गिर गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, क्योंकि शरीर से काफी खून बह चुका था। सरेआम बदमाशों ने उन्हें उन्हीं की कार में घेर कर हथौड़े, चाकू और गोलियों से हमला करके जान ले ली। अमरदीप कुमार, दिल्ली आज तक। दिल्ली पर्यटन विभाग के कर्मचारी और सरकारी शराब के ठेके में असिस्टेंट मैनेजर ब्रिजभूषण की सरेआम हत्या कर दी गई। गाड़ियां और लोग निकलते रहे लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। हालांकि उनके पुकारने पर पड़ोसियों ने उनके परिवार को सूचना जरूर दी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साउथ दिल्ली के महरौली इलाके में कार में घुसकर मर्डर की वारदात ने सबको हिलाकर रख दिया है। कार में मौजूद हथौड़े, गोलियों और तमंचे के निशान साफ बयां कर रहे हैं कि हत्यारों को पुलिस या पब्लिक का कोई खौफ नहीं था। महरौली के राजपुर खुर्द कॉलोनी में रहने वाले ब्रिजभूषण प्रसाद दिल्ली के पर्यटन विभाग में असिस्टेंट मैनेजर थे। साउथ दिल्ली के यूसुफ सराय में सरकारी शराब के ठेके पर उनकी तैनाती थी। 20 दिसंबर की रात को सेंट्रो कार से आए चार बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। परिवार वालों का दावा है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। गली एक नंबर जैसे घुसे वो उनकी गाड़ी ब्लॉक कर दी और लोहे के रॉड से शीशा फोड़ दिया और दरवाजा खोल के सब उनको चारों तरफ से घेर के एक ड्राइवर सीट पर बैठ गया, दो पीछे बैठ गए। तो सुबह 5 के लगभग डिक्लेयर कर दिया कि अभी ही इज नो मोर। ब्रिजभूषण पर ताबड़तोड़ हमले के बाद चारों हत्यारे फरार हो गए। हालांकि तब तक उनकी मौत नहीं हुई थी। बुरी तरह घायल ब्रिजभूषण के बारे में राहगीरों ने परिवार वालों को बताया। जब परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो वो बुरी तरह तड़प रहे थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 2.5 घंटे तक अस्पताल में इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। सीसी फुटेज देखे हैं, उसमें कुछ आदमी जो है वो इंतजार कर रहे थे, जैसे ये गाड़ी आई है इसको घेर के उन्होंने हैमर से शीशा वीशा तोड़ा और गोली वोली चला के उसमें अंदर घुसे। हथौड़े, चाकू और गोलियों से हुए इस हत्याकांड में महरौली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ले लिया है। वीडियो के आधार पर हमलावर और उनकी कार की पहचान करने की कोशिश हो रही है। साउथ दिल्ली की पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है। अब तक कत्ल की वजह साफ नहीं हो पाई है। बड़ा सवाल यह है कि सड़क पर कार रोककर चार हमलावरों ने आखिर दिल्ली टूरिज्म के असिस्टेंट मैनेजर ब्रिजभूषण की हत्या क्यों की। अब देखना है कि पुलिस इस मामले को कब तक सुलझाती, क्योंकि जाहिर तौर पर जब तक ये मामला नहीं सुलझेगा लोगों के मन में दहशत होगी, लोगों के मन में सवाल होंगे, क्योंकि जिस तरह से ब्रूटल मर्डर हुआ है, सीसीटीवी में कैप्चर हुई है सारी चीज़ें, अब कहीं ना कहीं सारी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। कैमरामैन सुपेंद्र के साथ चिराग उठी, दिल्ली आज तक। जिस वक्त दिल्ली टूरिज्म के असिस्टेंट मैनेजर ब्रिजभूषण का कत्ल हुआ उस वक्त सिर्फ सीसीटीवी कैमरा ही नहीं बल्कि एक शख्स भी पूरी वारदात देख रहा था, मगर खौफ की वजह से वो बदमाशों को रोक नहीं सका। उस शख्स से बात की हमारे संवाददाता चिराग कोठी ने। दिल्ली के महरौली इलाके में जिस तरह से वारदात हुई कई सवाल खड़े हो गए। अब पुलिस को चाहिए कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाए। हमारे साथ एक आई विटनेस मौजूद है जिन्होंने पूरा प्रकरण देखा। दरअसल आई विटनेस नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब ये घटना हुई मदद की जो शख्स थे उन्होंने डिमांड की तब ये आए थे बाहर। आप अपना नाम बताइए। मनोज। ये बताइए कितने बजे का वाक्य है, क्या आपने 10:30 बजे क्या हुआ था? 10:30 बजे आपको आवाज़ आई थी, उन्होंने आपको 10:30 बजे आवाज़ आई थी, उन्होंने सेंट्रो यहाँ लगा रखी थी साइड में और वो चार पांच लड़के घूम रहे थे, तो एकदम जब वो वैगनर लेके आए तो उन्होंने शीशे में हाथ मारा, हाथ मारने के बाद उन्होंने शीशा नहीं खोला तो उन्होंने अपने गाड़ी में से टायर लीवर निकाल के पाना निकाल के उनके शीशे में चार पांच मारे,
शीशा तोड़ने के बाद जो सेंट्रो एकदम यहाँ खड़ी थी उसने रिवॉल्वर निकाल के उन पर फायरिंग करी है। नहीं, वो हमने सीसीटीवी में सारा देखा। ये बताइए कि आप उस वक्त कहाँ थे? मैं ऊपर खड़ा। आप घर थे? आपने ये पूरा वाक्य देख रहे थे? हाँ जी। ये करते हुए तो आपने उस समय पुलिस को फोन किया? पुलिस को फोन किया, राठी साहब बाहर आए, राठी साहब ने पुलिस को फोन किया। हाँ, और वो एक डेढ़ घंटे पहले ही वेटिंग कर रहे थे यहाँ पे उनकी। एक गाड़ी उन्होंने पहले भी रुकवाई थी। तो ये इलाके के थे, कुछ शक्ल से पता लगा या बाहर? इलाके के नहीं थे, बाहर के थे। बाहर के? यहाँ के नहीं थे। तो आप उस वक्त